सो है व्हाट्सअप गाइस, यार हम आ चुके एक नई सी स्टोरी के साथ। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना। जो कि हमारा सकोरा बंडल होता है वो जाता है कोबरा के फार्म हाउस पे और एक कोबरा की बाइक चुराने के लिए। तो यहाँ एक बॉडीगार्ड खड़ा है, तो हमारा सकोरा मंडल यहाँ साइकिल को इधर ही खड़े कर लेता है और ये इससे जाके बात करता है और बोलता है कि भाई मुझे कोबरा की एक गाड़ी चाहिए, ठीक है, अगर तू पैसा लेना चाहे तो पैसा ले ले। पर ये मना कर देता है कि भाई देख गाड़ी आड़ी कुछ नहीं है, कोबरा ने मुझे यहाँ एक गार्ड के रूप में रखा है, इन गाड़ियों की सिक्योरिटी गार्ड रखी है और मैं इन गाड़ियों की देखभाल करता हूँ। पर ये मना कर देता है तो सकोरा बोलता है कि चल ठीक है, तू मुझे नहीं दे रहा तो मैं इन्हें देख लूँ। और ये क्या करता है, आगे जाके और गाड़ियों को देखता है और ये बोलता है कि मौका देख के मुझे आराम से इन गाड़ियों में बैठ जाना है और बैठ के यहाँ से निकाल लूँगा। निकालने के बाद ये सोचता है कि अगर बॉडीगार्ड पे मैं अगर गाड़ी को चढ़ा देता हूँ, चढ़ाने के बाद ये तो मर जाएगा ना, तो उसे पता पड़ेगा कि गाड़ी किसने चुराई, मैंने चुराई या इसने। और ये वापस रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे ले जाने दे, पर बॉडीगार्ड मना कर देता है और सकोरा मंडल को काफ़ी गुस्सा आता है। तो ये बोलता है कि यार हमारा प्लान काम आएगा ये। तो ये क्या करता है कि ये बोलता है मैं वापस देख के आता हूँ एक बार, मुझे ऐसी गाड़ी लेनी है। और ये एक येल्लो गाड़ी में इधर बैठ जाता है और बैठने के बाद वो बंदा बोलता है कि भाई कर क्या रहा है, तो ये बोलता है मैं चेक कर रहा हूँ। ये क्या करता है कि इधर से गेट वेट बंद करके और स्पीड से गाड़ी निकालता है और इस बंदे को यहीं गिरा देता है और यहाँ से इसके फार्म हाउस से गाड़ी लेकर निकल लेता है। क्योंकि इस हमारा सकोरा बंडल होता ना, इसने सभी बंडल के साथ वादा किया था कि मैं तुम्हें कल गाड़ी के साथ राइड करवा दूंगा और आज इसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, तो इसने कोबरा के घर से गाड़ी को चोरी कर लिया। और ये काफ़ी इधर गाड़ी की इंजॉय करता है और चेक करता है गाड़ी कितनी अच्छी है और ये यहाँ गाड़ी को घुमाता है और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल लेता है। और थोड़ी देर बाद ये इधर रात हो जाती है, सकोरा बंडल अपने जहाँ अपना ठिकाना होता है वहाँ चला जाता है। जाने के बाद ये गाड़ी को दिखाता सभी अपने टॉप क्रिमिनल बंडल हो जाता है, इधर कैली हो जाती है और सबसे वादा किया होता है, तो ये लोग भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। पर इधर हमारा एडम चचा और कोबरा को बड़ा गुस्सा आता है कि यार हमारी गाड़ी तो उसने चुरा ली है सकोरा ने। तो कोबरा बंडल क्या करता है कि सकोरा इस एडम भाई को सकोरा का प्लान बताता है सारा कि ऐसे ऐसे उसने गाड़ी चुरा ली। और एडम भाई गाड़ी छुड़ाने के लिए चला जाता है, ये बोलता है कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अगर जिंदा उसे छोड़ दिया ना तो मैं वापस नहीं लौट के आऊँगा। और हमारे एडम चचा इधर से क्या करते हैं, गाड़ी लेके और जहाँ सकोरा की पार्टी आर्टी चल रही होती है वहाँ चला जाता है। और उधर सकोरा को पार्टी करते हुए सुबह सुबह से रात से सुबह हो गई है और सुबह होने के बाद ये एक प्लान बनाता है। प्लान बनाने के बाद ये अपने हथियार निकालता है क्योंकि एडम के पास काफ़ी हथियार होते हैं क्योंकि ये यहाँ का शूटर है और इस पर कोई शक भी नहीं करता है। तो ये क्या करता है कि इधर जाता है आगे जा के और ये देखता है, उनसे बातचीत करता है, ये बोलता है अरे भाई पार्टी में मैं भी आया। और ये चुपके से इधर बॉम्ब लगाने की कोशिश करता है और उन लोगों को पता भी नहीं पड़ता, ये चुपचाप इधर गाड़ी के चारों तरफ बॉम्ब लगा देता है क्योंकि जो सकोरा होता है वो समझ नहीं पाता। और इसको एडम को कोबरा ने वो जो मिशन दिया था कि भाई गाड़ी ना आए पर ये लोग उड़ा जाए, और ये लोग आखिर में ये उड़ा ही देता है इन लोगों को क्योंकि जो कोबरा होता है उसने इनको बोला कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, वो लोग भी उड़ जाने चाहिए गाड़ी के साथ। और ये हमारा एडम इधर से निकल लेता है। पर हाँ सकोरा मंडल इधर काफ़ी बुरा बर्ताव करता है कि गाइस यार मैंने गाड़ी लाया, और काफ़ी बंडल ये सारे बंडल इसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं कि साले तूने तो बोला था मैं अपनी खुद की गाड़ी लाऊंगा और गाड़ी के लिए मना कर देता है। तभी सकोरा को गुस्सा आता है और केली को एक झापड़ लगा देता है। और इधर टॉप क्रिमिनल बंडल बोलते हैं कि भाई भाई कोई बात नहीं है, अब की बार तेरी खुद की लाना। और वो काफ़ी हंसते इसके ऊपर और सकोरा बंडल को काफ़ी गुस्सा आता है कि यार तुम लोग बहुत बुरा कर रहे हो। पर हाँ वो बोलता कि ये गाड़ी मेरी ही थी, बिना मतलब उसने पता नहीं कैसे उड़ा के चले गए। पर इधर हमारे टॉप क्रिमिनल बंडल होता है, ये बोलता है कि भाई नहीं ये गाड़ी तेरी हो ही नहीं सकती है, अगर उसकी होती तो वो तुझे यहाँ गाड़ी पे उड़ा नहीं देता। और ये बोलता है कि मैं आऊँगा जल्दी और उस एडम को उड़ा के फिर आऊँगा। और ये अपनी क्या करता है, टूटी फूटी गाड़ी लेता है और एडम के मारने के लिए चला जाता है।